बाप रे बाप, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है बाहर। अरे गगन बेटा, तू इस तरह से कपकपा क्यों रहा है? माँ, बाहर बहुत ठंड हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी बर्फीली पहाड़ी से घिरी हुई जगह में रह रहे हो। एक काम करती हूँ, तू जल्दी से कंबल ओढ़, मैं जब तक तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। तनु बेटा, जरा अपने भाई के लिए चाय तो बना कर लिया। इस कंबल को ओढ़ने का क्या फायदा है, पूरा कंबल तो फटा हुआ है। हाँ बेटा, लेकिन इतनी कम कमाई में घर का खर्चा ही ढंग से चल नहीं पाता, तो हम लोग नई कंबल कहाँ से लाएंगे? हमारे पड़ोस वाली विमला है ना, वो कल ही नया कंबल लाई है। पता है कितने का है? पूरे 2000 रुपए का, और बहुत ज्यादा मुलायम और गर्म है। माँ भैया, ये लीजिए आपकी चाय। वैसे भैया, आज आपकी बैग से मुझे ये गुलाब का फूल मिला था। अरे ये यहाँ लगता है दुकान पर काम करते हुए किसी ने गलती से बैग में रख दिया होगा। अच्छा, तो इस गुलाब के फूल के साथ लगता है ये लव लेटर भी किसी ने आपके बैग में रख दिया था। बोल गगन, चुप क्यों है? ये प्रेम पत्र फूल क्या माजरा है? माँ, मेरे कॉलेज में एक चंचल नाम की लड़की भी पढ़ती थी। मैं और चंचल काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे पगले, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हमें तुम्हारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद माहेश्वरी गगन के साथ चंचल के परिवार वालों से मिलती है और दोनों का रिश्ता तय कर देती है। कुछ महीनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। चंचल और गगन दोनों ही गरीब परिवार से होते हैं। अरे गायत्री, तू यहाँ क्या कर रही है? और चंचल बहू कहाँ है? माँ जी, चंचल काफी थकी हुई थी इसलिए मैंने उसे कमरे में आराम करने को कहा है। लेकिन तनु और बच्चे कहाँ हैं? अरे चंचल बहू के मायके से दहेज में जो सूटकेस आया है वो लोग उसे ही बाहर लाने के लिए गए हैं। लो आ गए। दादी माँ, सूटकेस बहुत भारी है, लगता है चाची बहुत सारी चीज लाई है वाले लिए। सारा परिवार जैसे ही सूटकेस को खोलता है, इसके अंदर तो भाभी के कपड़े हैं। हमें लगा शायद हमारे लिए कोई सामान होगा। अरे माँ जी देखिए, इसके अंदर तो कंबल भी है। अरे हाँ, और देख तो जरा ये कंबल कितना सुंदर और गर्म है। दादी माँ, अब तो हम सब इस कंबल में सोएंगे, अब तो हमें ठंड भी नहीं लगे। अब तो हम लोग इस कड़ाके की सर्दी में इस कंबल में आराम से सो सकते हैं। उस फटी कंबल से तो हवा आसानी से पास होती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। आज रात हम सभी लोग चैन की नींद सोएंगे। भला हो हमारी बहू का और उसके मायके वालों का, जो उन लोगों ने हमारे लिए ये कंबल भेजा। गरीबी की वजह से पूरे परिवार को हर साल ठंड में फटे कंबल ओढ़कर गुजारा करना पड़ता था, जिससे ठंड के मौसम में सभी परिवार वालों की हालत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन अपनी छोटी बहू के दहेज में आए कंबल को देख सारा परिवार खुश हो जाता है, जिसके बाद अब सब लोग उस कंबल को ओढ़ के सोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, कितनी ठंड है, मेरे दांत तोड़ ठंड से कपकपा रहे हैं। यहाँ तो मुझे कंबल भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे मेरा सूटकेस कहाँ है? माँ ने मेरे कपड़ों के साथ साथ मुझे कंबल भी दिया था। लगता है सूटकेस बाहर है। चलो जल्दी से कंबल ले आती हूँ, वरना ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। चंचल जैसे ही अपने कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि हॉल में उसके ससुराल वाले तो उसकी लाई हुई कंबल को ओढ़कर आराम से सो रहे हैं। अरे देखो तो जरा इन बेशर्मों को, बहू की लाई हुई कंबल कैसे ओढ़कर आराम से सो रहे हैं और मैं वहाँ ठंड से कपकपा रही हूँ। माँ जी उठिए माँ जी। अरे चंचल बहू, तू अभी तक सोई नहीं? माँ जी, इतनी ठंड में मैं बिना कंबल के कैसे सोऊंगी? मेरे कंबल तो आप सब लोगों ने ले रखी है, लाइए मेरी कंबल मुझे दे दीजिए। इतना कहकर चंचल अपनी कंबल ले लेती है और अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। वहीं ठंड लगने की वजह से गायत्री के दोनों बच्चों की नींद खुल जाती है। माँ, हमारी कंबल कहाँ गई? बेटा वो कंबल चाची की थी ना, इसलिए वो ले गई। माँ बहुत ठंड लग रही है, चाची से कंबल वापस लाओ ना। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई थी, लेकिन भाभी कंबल ले गई। सभी लोगों को ठंड में कपकपाता देख माहेश्वरी से देखा नहीं जाता, इसलिए अपनी बहू के कमरे के पास जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है।
जिसके बाद चंचल जैसे ही दरवाजा खोलती है, चंचल बहू मैं कह रही थी कि तू अपना कंबल हमें दे दे और ये हमारा वाला कंबल तू ओढ़ ले। वो क्या है ना, तेरा कंबल काफी गर्म और बड़ा है तो हम सब उसमें आराम से सो जाएंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा छोटा है और फटा हुआ भी है। हम तो बाहर हॉल में सोते हैं तो हमें ज्यादा ठंडी भी लगती है, तू तो कमरे में आराम से सो सकती है। ठीक है माँ जी। जिसके बाद माहेश्वरी अपनी बहू का कंबल लेकर चली जाती है और अपना फटा हुआ कंबल उसे दे देती है। मेरे माँ बाप ने ये कंबल मुझे दिया था, लेकिन ये देखो ये लोग कैसे इस पर हक जमा रहे हैं। जिसके बाद चंचल मुंह बनाते हुए उस फटे कंबल को ओढ़ कर सो जाती है। बीते दिन के साथ ठंड भी काफी बढ़ने लगती है, जिसके चलते चंचल की सास हमेशा उसे फटा कंबल दे देती और खुद उसके नए कंबल में सारा परिवार आराम करता। बाप रे बाप, आज तो बहुत ठंडी है, चलो अच्छा हुआ कि आज मेरे पास मेरा कंबल है, आज तो आराम से सोऊंगी। अरे चंचल ये कंबल तुम्हारे पास है और मैं बाहर इसे हॉल में ढूंढ रही थी, लाओ ये कंबल मुझे दे दो। वो सौरव अंजू के सोने का टाइम हो गया है, उन्हें इस कंबल के बिना अब नींद ही नहीं आती है। गायत्री चंचल से वो कंबल लेकर चली जाती है। ये सब अब चंचल के बर्दाश्त से बाहर होता है। बस अब बहुत हुआ, मैं कब तक इस ठंड में ऐसे ही ठिठुर ठिठुर के सोऊंगी, आज रात को तो मैं ये कंबल लेकर ही रहूंगी। जैसे ही रात होती है, भाभी लाइए मेरा कंबल मुझे दे दीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन चंचल ये कंबल तो हम सब लोग रात को ओढ़कर सोते हैं, हमने तुम्हें कंबल दे तो रखा है। उस फटे हुए कंबल को ओढ़ने का क्या ही फायदा जब पूरी रात कपकपाते हुए गुजारनी है। मैं जब से आई हूँ तब